Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. गाड़ी के नीचे आने की वजह से इसकी मौत हुई है. औरत की उम्र लगभग 30-32 साल. क्या लगता है, एक्सीडेंट है या कुछ और? सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक्सीडेंट है या सुसाइड, लेकिन जिन जिन लोगों ने देखा है उनका यही कहना है कि एक्सीडेंट ही है. इसके पास कुछ मिला, मोबाइल पर्स कुछ भी? मोबाइल तो नहीं मिला सर, लेकिन ये पर्स मिली है. इसमें कुछ पैसे है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं मिला. 100 पे किसने फोन किया था? सर मैंने किया था. तुम जानते हो इस औरत को? नहीं साहब, मैं भी इसके साथ में रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था. सिग्नल चालू था, सब लोग वेट कर रहे थे. पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया, एक तेजी से आती हुई गाड़ी के आगे आई और गिर गई. गिर गई या किसी ने धक्का मारा? वो तो नहीं मालूम साहब, मुझको लगता है जरूर चक्कर आकर गिर गई होंगी. ये जी कौन है ये? कहाँ से उठा के लाए उसे? अरे अनाथ है बेचारी, अपना भाजी वाला है ना रामदारी, वो जानता है इसको. बोल रहा था अच्छी ईमानदार लड़की है, मेहनती है, घर का सब काम भी जानती है. गांव कुठला तुझा? कोल्हापुर. इससे पहले कोई काम किया है? राम चाचा के उधर. ठीक है चलो मेरे साथ. कहाँ लेके जा रही है उसको? दो मिनट शांत बैठे क्या? अरे जवान लड़की को घर में काम पे रखना है ना, कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है. काही हवा होता का? नाही मला काही नको. तुझे कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए तो बोल मेरे को. हां सर्वाना मत. पता नहीं उस लड़की ने पुलिस से क्या बात करी होगी. उस लड़की ने अगर उनको सब सच बोल दिया तो? उसने पुलिस को कुछ भी बताया होता तो पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती. तुम टेंशन मत लो. अरे क्या टेंशन मत लो, मुझे टेंशन नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो भी उस लड़की पे नहीं आप पे. अरे जिज्जा बदल क्या माहिती नहीं कायले, तिला माझ्या घरात आणून बसवले तुम्ही. वो लड़की जब से इस घर में आई है ना, मुझे डर सा लगा रहता है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है. अरे क्या जरूरत थी उसको पुलिस के साथ बात करने की? अजीब बात कर रही हो तुम. अरे पुलिस वाले अगर उस लड़की को कहेंगे कि मुझे तुझसे बात करनी है तो क्या बोलेगी? मना कर देगी, मुझे नहीं करना है. तुम टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अरे क्या टेंशन मत लो, टेंशन मत लो. अरे दिमाग दिया है ना,
थोड़ा सोचो, उसने अगर पुलिस को सब सच सच बोल दिया ना तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम शांत हो जाओ, देखो मैं एक महीने का बस, आप कुछ मत करो, जो कुछ करना ना मैं करती हूँ। हाँ चुप बैठा, ऐसे बहुत से सवाल थे सामने और अचानक इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जो हुआ वो देखकर पुलिस दंग रह गई और एक हादसे ने उनकी तफ्तीश की दिशा ही बदल दी। बॉडी खाली क्या? हो सर। आ दो। आ जाओ बैठो। सर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, गर्दन पर भी सिंगल निशान है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जबरदस्ती लटकाई गई हो, तो शायद कुछ चीजें ऐसे अरेंज की हुई लग रही है। आपके घर में जो भैया हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? रोहन कॉलेज में था, मैं ऑफिस में था और सुमन बाजार गई थी। हम तीनों एक साथ वापस आए, देखा तो साक्षी पंखे से लटक रही थी। ये दरवाजा आपने आकर खोला या पहले से खुला हुआ था? सर दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। सर साक्षी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने आगे के और पीछे के मार्क किए। जरा 11:30 के आसपास लाना एंट्रेंस का कैमरा। ये देखिए सर, 11:30 बजे रोहन कॉलेज के लिए निकल रहा है, 3:30 बजे का गेट का फुटेज दिखाओ। ये देखिए सर, 3:30 बजे अशोक और सुमन बिल्डिंग से बाहर निकले, अपने गाड़ी में बैठे और गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। मैंने वेरीफाई किया कि 4:30 बजे तक अशोक ऑफिस में ही था। ऑफिस से आते वक्त उसने सुमन को मार्केट से और रोहन को कॉलेज से पिकअप किया होगा। जरा गेट का फुटेज दिखाओ 5:30 बजे का। ये देखिए सर, 5:30 बजे गाड़ी गेट से अंदर आई और ये तीनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। सर एंट्रेंस वाला फुटेज रिवाइंड करो। सही करो। पास पास। गेट वाला कैमरा। ऑफिस एंट्रेंस वाला कैमरा थोड़ा रिवाइंड करके दिखा। पास। यादव ये देखो, ये लड़की 4:25 पे अंदर गई है, 4:35 भी बाहर निकली है और चेहरा भी दुपट्टे से ढका हुआ है। ये कोई पहचान ना ले इसलिए, साक्षी की मौत के साथ इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। यादव सोसाइटी के रजिस्टर से इसकी डिटेल निकालो। ये रजिस्टर तुझे किस लिए दिया? बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री लेने के लिए ना। तो उस लड़की की एंट्री क्यों नहीं करवाई जिस वक्त साक्षी की मौत हुई? ये लड़की अंदर गई थी साहब, वो सीसीटीवी है ना, ये सर्च करने लिए। सीसीटीवी लोगों का चेहरा दिखाता है, लोगों के नाम डिटेल लेना तुम्हारा काम है। गलती हुआ साहब, माफ कर दो। ये सीसीटीवी फुटेज में जो लड़की दिख रही है, आप जानते हैं ये लड़की कौन है? नहीं सर, हम में से कोई नहीं जानता इसे। जैन सर, सर ये इस गांव के सरपंच है। नमस्कार। और ये साक्षी का घर जो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। तोड़ दो ताला। तीनों का फोटो मिलता है कि नहीं? ठीक है। We'll be right back.
सरपंच जी, आपके गांव में कोई है जो कुएं में उतर सकता हो? हाँ बोला तो। सरपंच जी, क्या लगता है किसकी बॉडी होगी? कुछ पहचान में आ रही है? हालत बहुत बिगड़ी हुई है साहब, पर लगता है साक्षी की माँ है। साहब ये साक्षी के पास में फोटो मिला था। ये फोटो कहाँ से है तेरे पास? उधर ही घर पे पड़ी मिली मेरे को। ये तो बनकर फैमिली की फोटो है और डेट 3 महीने पुरानी है। तब साक्षी जब मुंबई आई थी तो उसके पहले ये फोटो अखबार में छप चुकी थी। तुम्हें कुछ बताया था इस फोटो के बारे में? नहीं साहब, खुद तो नहीं बताई। हम जब पूछे हैं कि फोटो कहाँ से मिला है तो बताया उसने कि बंकर साहब के घर से मिली थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। हम यहीं लास्ट में बैठ गाड़ी में। मैं क्या? चलो बिना किसी रोना धोना और नाटक के साफ साफ बताओ, साक्षी को क्यों मारा? कौन साक्षी साहब? तुम्हारी छोटी बहन। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है। इस वक्त साक्षी की मौत हो गई, इस वक्त तुम उसी बिल्डिंग में थी। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हेलो, क्या ठीक? बाजू आ रहे, चलो बेटे, चलो बेटी। सर लगता है इसने खुदकुशी की है। नहीं, मरा नहीं अभी तक, नर्व चल रही है इसकी। इसे फटाफट वैन में डालो, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेटर तुम्हारे हाथ से गिरा था जिसमें लिखा है कि तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। तो ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने आत्महत्या करने की सोची? मैं तुझे सड़क पे से उठा के लाया और तू हमारे खिलाफ पुलिस में बयान देती है? अरे तेरे जैसे लोग तो घर में रखने लायक नहीं है। पता नहीं किसका पाप है। क्या देख रही है? आंखें निकाल लूंगा तेरी, समझी? थोपड़ा तोड़ दूंगा। और क्या कर सकते हो बोलो, और क्या कर सकते हो? चुप, चली जाए यहाँ से, वरना नंगा करके मारूंगा। तो करो, करो ना नंगा। तू ये मत सोचना कि मैं ये कर नहीं सकता। चली जा, मैं कहता हूँ। नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं कर सकता। अभी तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ। चल चल। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर दिया आपने? इसके बदले में मैं तेरे को ढेर सारे पैसे दूंगा। ले। आपने अपनी बेटी के साथ। ए! बकवास बंद कर। तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मैं आप ही की बेटी हूँ और अर्पिता ताई भी। कानेरी गांव कोल्हापुर से आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, सोचा मौका मिलते ही आपको बताएंगे कि मैं आपकी मैं हम दोनों की बेटी हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मुझसे। मैंने अपनी लड़की का क्यों बचा लिया मुझे आप लोगों ने? मुंबई पुलिस ने फोटो भेजा है आपको देखने के लिए।
देखो आप पहचानते इसे, ये कौन है? साहब ये तो अशोक है, साक्षी और अर्पिता का बाप। ये जिंदा है दीदी? मुझे बस इतना पता है कि 10 साल पहले बाबा मुंबई नौकरी ढूंढने आए थे और फिर वो गांव वापस कभी नहीं आए। 2 साल के बाद उनके मौत की खबर आई साहब। आई ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके हम दोनों को पाला साहब। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी ना साहब, हम भूखे ही सो जाते थे। 2 महीने पहले आई भी निमोनिया से मर गई साहब। आई आई हमारे पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे। हमने सोचा हम मुंबई आके नौकरी ढूंढेंगे साहब, पैसे कमा के हम आई का अंतिम संस्कार कर लेंगे। मुंबई ने मेरी साक्षी को भी मुझसे छीन लिया साहब। सब मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन मेरे गांव वाला मुझे मिला। उसने मुझे बाबा के घर का पता और उनके घर का नंबर दिया साहब। वो नंबर पे मैंने फोन किया साहब। अर्पिता ताई, तुम बाबा के घर क्या कर रही है? मैं बाबा के घर पे ही हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। बाबा को सब सच बताना है ताई। मैंने उससे कहा कि हम सही समय आने पे बाबा को सब सच सच बता देंगे साहब। और फिर एक दिन सब जब मैं उस घर पे गई तो साक्षी को उस तरह देख के मुझे समझ नहीं आया साहब मैं क्या करूं। अशोक बंकर को अपनी ही बेटी के बलात्कार के लिए और सुजीत सालुंखे को शांति के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।